This conference will now be recorded. जी जनाब, ये आपके इस चैप्टर के अंदर इन चार चैप्टर्स के एमसीक्यूज हैं। हम बारी बारी इसको डिस्कस करते जाते हैं। लिखा हुआ है अंडर अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड एंट्री। अगर अंडर अब्सॉर्ब्ड हो तो हमें पता है कि हमने कम ओवरहेड लिखे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने ओवरहेड बढ़ाने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट कर देते हैं। ओवर अब्सॉर्ब हो तो एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड टू कॉस्ट ऑफ सेल, और अंडर अब्सॉर्ब हो तो ओवर एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक होगी बात, ये चीज आपको पहले से ही पता है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। दूसरा सवाल कहता है जब राइजिंग इन्फ्लेशन हो, मतलब क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ रही हो, तो कहता है कि बेस्ट मेथड कौन सा होता है। देखिए, जब महंगाई बढ़ रही होती है, वैसे तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये होता है कि आप टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो या प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो मोस्टली हमने ये देखना है कि हमने अपना प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू देखना होगा। ठीक है, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू के कंपनी को प्रॉफिट के सूरत में ज्यादा होगा। ठीक होगी बात, तो राइजिंग इन्फ्लेशन हो तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो प्रॉफिट ज्यादा आता है, और किस मेथड में ऐसा होता है, फाइफो मेथड में। फाइफो मेथड में ये आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा ज्यादा होता है क्योंकि लेटेस्ट हायर प्राइस के ऊपर हमारा स्टॉक आ रहा होता है, और वेटेड एवरेज में क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है जिससे हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। ये होता है वेटेड एवरेज। तो प्रॉफिट को अगर ज्यादा आपने देखना है तो राइजिंग इन्फ्लेशन के केस में फाइफो बेस्ट मेथड होगा। राइजिंग इन्फ्लेशन के केस आवाज नहीं आ रही। प्राइम कॉस्ट से पहले पहले हमारे पास जितना भी खर्च एक्सपेंसेस आते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड नहीं होते, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो प्राइम कॉस्ट के बाद जो एक्सपेंसेस आते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होते हैं। ओके की बात। चौथे नंबर पे वो कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस इन द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहता है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अंदर जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होते हैं। कहता है जब इनकर्ड हो या जब इन्वेंटरी सेल हो। याद रखें जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो जैसे इनकर्ड होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखे जाते हैं, जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस पहले इन्वेंटरी की कॉस्ट में ऐड होते हैं, फिर जब इन्वेंटरी सेल होती है तब वो एक्सपेंस में जाते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। तो जैसे इसमें पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पांचवा कहता है इफ डिक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक का हमारा कम हो रहा है, देन व्हाट इफेक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल एंड इनकम। देखो ना, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है ना, इसका मतलब है प्रॉफिट ज्यादा होगा, सॉरी प्रॉफिट कम होगा और कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और कॉस्ट ऑफ सेल के साथ अपोजिट रिलेशन होता है। ये मैंने आपको टेबल भी बनाकर दिखाया था।
क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट तो कम होगा, इनकम मतलब कम होगी और कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। और वैसे भी आपको पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। अगर ये वैल्यू कम होगी तो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि माइनस होने वाली वैल्यू कम हो रही है। ओके की बात। नेक्स्ट नंबर सिक्स कहते हैं प्राइम कॉस्ट कौन सी है, व्हिच इज करेक्ट अबाउट प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, प्रोडक्शन ओवरहेड। गलत। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल। गलत। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। सही। और प्राइम कॉस्ट यही होती है ना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसका आंसर कौन सा हो गया, सी। ओके की बात। चलें जी, साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाना, अगर किसी की कोई कोई बात अगर समझ ना लगे तो पूछ लेना, परेशानी की बात नहीं है। सातवां नंबर कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं दिस मेथड टेक इनटू अकाउंट नॉर्मल लेवल ऑफ मटेरियल एंड सप्लाईज, लेबर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दे आर रेगुलरली रिव्यूड एंड इफ नेसेसरी रिवाइज्ड। या द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइंड बाय रिड्यूसिंग द सेल वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री बाय अप्रोप्रिएट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड पहली डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो दूसरी डेफिनेशन है ये तो रिटेल मेथड की है। जो पहली डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होता है, मटेरियल देखा जाता है, लेबर की एफिशिएंसी, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। फिर विच मेथड ऑफ इन्वेंटरी यूज टू डिटरमाइन द कॉस्ट, कहता कॉस्ट को मैयर करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड या रिटेल मेथड। हाँ जी बताएं, दोनों इस्तेमाल होते हैं, यानी मेथड ऑफ इन्वेंटरी यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड भी होता है, ये वो मैन्युफैक्चरर के लिए होती है और ये रिटेलर के लिए होता है, तो दोनों मेथड इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट कहता है क्या होता है, ऑल इनकम और एक्सपेंस। नहीं, ऑल इनकम और एक्सपेंस नहीं होते, ट्रेडिंग अकाउंट होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो पहला तो नहीं, कहता है ओनली एक्सपेंसेस, ये भी नहीं, ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ओनली रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल, ये आंसर है। रेवेन्यू और ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट तक के हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट के हिस्से को ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है। क्लियर होगी बात। दसवें नंबर पे आ जाए, अ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लो जनाब, ये अब हमारा सवाल स्टार्ट हो गया, यानी BRS के सवाल, हम इसको साथ साथ हल भी कर सकते हैं। हाँ जी, लिखा हुआ है बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 63200, चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड। यानी ये तो सिंपल, फाइंड क्या करना है, बैलेंस एज पर कैश बुक। ये हम हल करना शुरू कर देते हैं जनाब, इसको हल करना जरूरी है। चलें स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, आप लोगों को मैंने तरीकाकार बताया है, अगर वो उसी एक तरीके पे चलते जाओ ना, सवाल तो सारे ही हो जाएंगे। यहां पर कैश बुक बनाओ और यहां पर BRS लिख लो, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट कुछ नहीं बताया हुआ तो क्रेडिट बैलेंस है 63200, कुछ नहीं बताया ना तो 63200 क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक स्टेटमेंट का क्रेडिट होता है और कैश बुक का डेबिट होता है अगर ना बताया होता। चेक रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन।
कहता है चेक रिसीव कर लिया है लेकिन अभी तक बैंक को भेजा ही नहीं, बट नॉट सेंड टू द बैंक ऑफ कलेक्शन 12,400। मतलब हम कैश बुक में लिख चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा, कैश बुक में लिख चुके हैं, बैंक स्टेटमेंट में नहीं लिखा, तो बैंक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं 12,400। और आप इसको कैश बुक में भी रिवर्स कर सकते हो, या तो कैश बुक में रिवर्स कर दो, क्रेडिट कर दो, या बीआरएस में जाकर लिख दो। फिर दूसरा, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक बट नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक। कैश बैंक स्टेटमेंट में चीज आ गई है लेकिन अभी तक आपने कैश बुक में नहीं लिखा, तो उसमें लिख दो 27,300। फिर चेक इशूड फॉर 175 बट नॉट प्रेजेंटेड, नॉट प्रेजेंटेड चेक हो गया 175 200 लास्ट। कहता चेक इंटरेस्ट रेगुलेट चार्ज बाय द बैंक वाज नॉट एंटर्ड इन, बैंक चार्जेस हमने नहीं लिखे अभी तक, खत्म हो गया। लो मेरे भाई, अब हमने करना क्या है, पहले बैंक स्टेटमेंट को क्लोज करें, वहां से बैलेंस निकालेंगे, वो लिखेंगे कैश बुक में, कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे। क्लोज करो जरा, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, 163,200 प्लस 124,000, करो जरा कितना आंसर आ रहा है इसकी, ये साइड ज्यादा आ रही है 175,200, 175,200 बैलेंस निकाले कितना आ रहा है, सर 99,600 आ निकाल रहा रहा है, है। सॉरी कितना, 99,600, 99,600, 99,600। ये यहां पर क्रेडिट साइड पर निकल रहा है तो इधर डेबिट साइड पर आ जाएगा 99,600। लो जनाब, इसको क्लोज कर दो तो आपके पास कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, उधर क्रेडिट साइड पर आएगा तो इस साइड पर डेबिट साइड पर लिख दो। अब इसको क्लोज कर दो तो आपका बैलेंस आ जाएगा, कितना बैलेंस आ रहा है डिफरेंस, 118,100। 118,100 किस साइड पर आ रहा है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट है ये सर, क्रेडिट है। याद रखें, जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो जिस साइड पर होता है वही बैलेंस होता है, ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर फाइंड हो वही बैलेंस हुआ करेगा, जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो जिस साइड पर होगा उसका अपोजिट माना जाएगा, ये तो आपको पता है ना। तो ये हमारा आंसर आ गया डी। देखिए आंसर सारे लिखे होते हैं, बस ये बताना डेबिट है या क्रेडिट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोबारा सुन लीजिए, अगर वो कैरी डाउन के बारे में कोई जवाब पूछे कि कैरी डाउन वाला बैलेंस पूछे तो जिस साइड पर फाइंड होगा वो आपने बताना अपोजिट है, और ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पर होगा उसी साइड का बताना है, क्रेडिट साइड पर होगा तो वो क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट साइड पर होगा तो वो डेबिट बैलेंस होगा। लो जी, ये सवाल ओके हो गया, कोई परेशानी है किसी को तो बता दे, आगे चलें। चलें आगे चलते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। कहता है बैंक रिटर्न अ चेक बिकॉज ऑफ एनएसएफ नॉट सफिशिएंट बैंक, विच एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया था कि जब चेक डिसऑनर होता है एंट्री क्या होती है, अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक, क्योंकि जब चेक लेते हैं एंट्री पास करते हैं बैंक टू अकाउंट रिसीवेबल, और अब रिवर्स किया तो अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक, ओके होगी बात। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट कैश बुक। कहते हैं कौन सी बात कैश बुक के बारे में ठीक है, कहते हैं इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द डेबिट साइड रिप्रेजेंट द रिसीट साइड एंड द क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट द पेमेंट साइड। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डेट वाइज,
कि जिस डेट को पहले कैश पे या रिसीव हुआ उस डेट को हम पहले लिख देंगे, उसे कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। ठीक होगी बात? चलो जी, ये तो बात ठीक है कि ये जो कैश बुक है वो रिसीट और पेमेंट ऑफ कैश इनटू द बिजनेस बैंक अकाउंट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेबिट साइड रिसीट को शो करती है, क्रेडिट साइड पेमेंट को शो करती है। ये बात तो ठीक है। फिर अगली बात, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द ओनली करंट ईयर। ऑल ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करती कैश बुक। कैश बुक में ऑल ट्रांजैक्शंस नहीं होती, सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं। बात पता है ना, ऑल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, तो ये भी नहीं हुआ। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शन, फिर वही बात आ गई। इट इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड विद द बैंक। बैंक भी नहीं, कैश बुक में कैश वाली भी और बैंक वाली भी सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। वो तो कैश बुक का सिर्फ बैंक कॉलम होता है, इसमें ऑल रिसीट एंड पेमेंट, चाहे वो कैश की हो चाहे वो बैंक की। तो इसका पहला आंसर ठीक है। फिर हो गया पोजीशन ऑफ रॉयल्टी पेड ऑन इन्वेंटरी एंड फाइनल अकाउंट। कहता है रॉयल्टी को फाइनल अकाउंट में कहां पर लिखोगे? पहला, रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एक्सपेंस। नहीं, रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और जो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है ना, वो याद रखें वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री में ऐड होता होता है। ऐड इन इन्वेंट्री, एक्सपेंस नहीं होता। तो ऐड इन वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज डायरेक्ट एक्सपेंस, ये जवाब इसका ठीक है। रिकग्नाइज एज करंट एसेट, ये बात वैसे तो ठीक है कि वो हमारा इन्वेंट्री करंट एसेट ही होता है, लेकिन ऊपर वाला जवाब ज्यादा अप्रोप्रिएट है और इसको लाइबिलिटी लिखते हैं। ओके होगी बात। हाँ जी, उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी डेबिटेड टू। गुड्स इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और जब गुड्स डिस्ट्रॉय होती है एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। एबनॉर्मल लॉस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट, ऐसा सही है। तो कहता है शुड बी डेबिटेड टू कैश अकाउंट, गलत। परचेज अकाउंट गलत। एबनॉर्मल अकाउंट सही। सेल अकाउंट भी गलत, क्योंकि परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है एबनॉर्मल ऑफ केस में। ओके होगी बात। नेक्स्ट कहता है जो 15 है, अब्सॉर्प्शन एफओएच में बी बेस्ड ऑन प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, मैनेजमेंट एक्सपेंस। सबसे बेस्ट इसमें लेबर है। वैसे प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, वैसे प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर वो दो कहता ना तो फिर हम प्राइम कॉस्ट भी लिख देते। लेकिन इसमें, इस केस में सबसे बेस्ट लेबर है, लेबर आवर्स या मटेरियल यूज्ड यूनिट। ये जो बेस्ट होते हैं ना, वो यूनिट होता है, लेबर होता है, मटेरियल होता है, प्राइम कॉस्ट भी हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट एक्सपेंस कभी नहीं होता। इनडायरेक्ट भी के चांसेस कम होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस ज्यादातर आ जाता है, तो लेबर इसमें ज्यादा बेस्ट। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 16, इनिशियली इन्वेंट्री मेजर्ड एट कॉस्ट, एनआरवी पे नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी होता है सबसिक्वेंट मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट नहीं होता, होता है सबसिक्वेंट मेजरमेंट। इनिशियली मेजर्ड एट कॉस्ट होता है। ओके की बात। चैलेंज क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं हाउ कैन परचेज्ड बी कैलकुलेट। कहते हैं परचेज को कैसे कैलकुलेट करते हो? मैं आपको फार्मूला बता देता हूं, उसमें हेर फेर कर लो। कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला किसी को आता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इसमें परचेज फाइंड कर लो। तो परचेज का फार्मूला क्या बनेगा? परचेज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यही फार्मूला बनेगा ना,
पहले कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला लिख लो, कॉस्ट ऑफ सेल के फार्मूले में से रीअरेंज करके परचेज का फार्मूला बना लो। तो क्या फार्मूला बना? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो कौन सा आंसर बना बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। डिसऑनर ऑफ कस्टमर चेक इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, किस साइड पर रिकॉर्ड होगा? डिसऑनर ऑफ अ कस्टमर चेक कैश बुक की पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड होगा। एंट्री क्या पास होती है? अकाउंट रिसीवेबल टू बैंक, तो बैंक की क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा अकाउंट रिसीवेबल के नाम से। ये चीजें आपको आपके दिमाग में तरोताजा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस ये निशान लगा लो तो वो काफी है, नहीं, इन चीजों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। फिर वो कहते हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कहते हैं इन डिक्रीजिंग इन्फ्लेशन, कहता है जब डिक्रीज हो रही हो इन्फ्लेशन, महंगाई कम हो रही हो, फाइफो शो लोअर प्रॉफिट देन वेटेड एवरेज। बिल्कुल सही है, फाइफो में जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आता है, प्रॉफिट ज्यादा आता है, और जब इन्फ्लेशन कम होगी तो क्लोजिंग स्टॉक कम आएगा तो प्रॉफिट भी कम आएगा। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फिर कहते हैं इन फाइफो गुड्स आर सोल्ड एट द प्राइस एट विच दे आर परचेज्ड, ये गलत है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किस करते? कहते हैं फाइफो के अंदर गुड्स आर सोल्ड एट द प्राइस एट विच दे आर परचेज्ड, कहते हैं उस वैल्यू पे सेल की जाती है जिस पे खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं होता। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। 20 कहते हैं विच वन ऑफ इज कन्वर्जन कॉस्ट, कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? कन्वर्जन कॉस्ट में याद रखें मटेरियल नहीं आता। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या? मटेरियल नहीं आता, लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आते हैं। पहले में लिखा हुआ है लेबर और डायरेक्ट मटेरियल, ये तो नहीं हो सकता। सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर हो सकता है, बट सबसे ज्यादा बेस्ट सी है, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है? लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। वो फैक्ट्री ओवरहेड प्रोडक्शन ओवरहेड को कहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कहते हैं। तो जो कन्वर्जन कॉस्ट होती है वो लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। 21 कहता है नेल्स डेप्रिसिएशन रेंट आर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड रॉ मटेरियल। साफ साफ लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो सकते हैं ये, क्योंकि लेबर भी नहीं हो सकती, रॉ मटेरियल भी नहीं हो सकता, ये क्या हो सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट कहता है ओवर अब्सॉर्प्शन कब होता है? ओवर अब्सॉर्ब्ड कब होता है? जब अब्सॉर्ब्ड ओवर ओवरहेड से। ओवर अब्सॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? जब अब्सॉर्ब्ड ज्यादा हूं एक्चुअल ओवरहेड से, उसे हम कहते हैं ओवर अब्सॉर्प्शन। ओके होगी बात? बाकी तो सारे बने नहीं रहे। 23 भी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक ऑन द बैंक रिकंसिलिएशन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक ऑन अ बैंक रिकंसिलिएशन? सर्विस चार्जेस नो नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक, डिपॉजिटेड इन ट्रांजिट, आउटस्टैंडिंग चेक। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एडेड टू द बैलेंस एज पर बैंक ऑन अ बैंक रिकंसिलिएशन? हाँ जी बताइएगा जरा। जी सर्विस चार्जेस तो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, नोट्स कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्टेड कर लिए, ये भी नहीं होगा, ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड होता है, ये भी कैश बुक में होता है। डिपॉजिट इन ट्रांजिट एनसी को कहते हैं, और आउटस्टैंडिंग चेक एनपी को कहते हैं। तो ये दोनों हो सकते हैं, सी और डी।
सी और डी दोनों हो सकते हैं, लेकिन आपके सॉल्यूशन के अंदर ना सिर्फ सी लिखा होगा, क्योंकि बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर, सॉरी वो कहते हैं एडेड, माजरत, ये तो माइनस होता है, ये तो माइनस होता है, क्योंकि आप ऐसे लिखते हैं ना डेबिट और क्रेडिट, तो एनसी आपका यहां पर आता है, तो बैलेंस में ऐड हो रहा होता है, डेबिट से तो वो बैलेंस हमारा कम हो रहा होता है, डेबिट से बैलेंस हमारा कम हो रहा होता है, सी इसका सही आंसर है, क्योंकि वो कहता है व्हाट वुड बी एडेड, क्योंकि बात नेक्स्ट कहता है व्हेन बैंक स्टेटमेंट शो अ डेबिट बैलेंस, इसका मतलब क्या है, जब बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस हो तो मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, कहता है अनफेवरेबल बैलेंस एज पर बैंक बुक, गलत, बैंक बुक तो कैश बुक का नाम है, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, नन ऑफ दीज, इसका आंसर नन ऑफ दीज है, क्योंकि वो होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक बुक कैश बुक ये तो एक ही नाम है, तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है बैंक स्टेटमेंट का, ठीक होगी बात, उसका डेबिट बैलेंस भी उसको कह सकते हैं बैंक स्टेटमेंट का, और अनफेवरेबल बैलेंस भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 जी जनाब, कहते हैं अमाउंट ऑफ ₹1,000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट, आपने बैंक स्टेटमेंट में दो दफा लिख दी, व्हेन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कहता है कैश बुक में ये ओवरड्राफ्ट था, कहते हैं 1000 विल बी डिडक्टेड, 1000 विल बी एडेड, 2000 विल बी एडेड, 2000 विल बी डिडक्टेड, देखिएगा जरा होता भला क्या है? याद रखें कैश बुक का बैलेंस है ओवरड्राफ्ट, कहता है ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसका मतलब है इसका ओवरड्राफ्ट ये बैलेंस है, और ये बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, डन। अब आ जाओ बैंक स्टेटमेंट में, ये मैं आपको एक नई टेक्निक बताने लगा हूं, ध्यान से सुनना, वो कहते हैं एन अमाउंट 1000 इज डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट, आपने दो दफा डेबिट कर दिया, दो दफा डेबिट कर दिया 1000 को, तो उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, ये जवाब आप लोगों से मैं लूंगा पहले, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे जल्दी से फिर बताएं, क्रेडिट कर देंगे। किसमें क्रेडिट करेंगे, सर सारे लोगों ने आंसर देना है, कोई मैसेज करके दे दे या माइक ऑन करके दे दे। हाँ जी बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट कर देंगे। आप 1000 डेबिटेड ट्वाइस इन द बैंक स्टेटमेंट, तो आपने बैंक स्टेटमेंट में दो दफा डेबिट कर दिया, तो एक दफा से क्या कर देंगे, क्रेडिट, डन। अब अगली बात सुनिए जो गौर से सुनने वाली है, क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्लस होता है, क्या जिधर मर्जी हो क्रेडिट में क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्लस होगा, चाहे वो बैंक स्टेटमेंट का हो चाहे वो कैश बुक का, डेबिट क्रेडिट होता तो माइनस होता, डेबिट डेबिट होगा प्लस होगा, क्रेडिट क्रेडिट होगा प्लस होगा, तो आपका ये क्रेडिट बैलेंस था क्योंकि उसने कहा है कि ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक में क्रेडिट लिखा हुआ है, इधर भी क्रेडिट आ रहा है, तो क्या करेंगे 1000 एडेड, 1000 विल बी एडेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी जनाब, पता चला इस चीज की समझ लागे सबको, कि आपने ये देखना है जब जिस बैलेंस में भी सेम नेचर होगी, सेम नेचर वाले प्लस हो जाते होते हैं, अपोजिट नेचर वाले माइनस हो जाते होते हैं। चलें जी नेक्स्ट, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड एंट्री, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड एंट्री जी जना, ये आप लिख लें अगर आपने किसी ने पहले नहीं लिखी हुई, अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड की मतलब अप्लाइड एफओएच की अपनी एंट्री क्या होती है,
अप्लाइड एफओएच, उसकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट, क्योंकि अप्लाइड एफओएच ना प्रोडक्शन ओवरहेड में ऐड हो जाते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री हम पास करते होते हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट या क्रेडिट करते हैं, वो अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन की एंट्री होती है। वो किसकी एंट्री होती है? अंडर या ओवर अब्सॉर्प्शन। तो जो अब्सॉर्ब्ड एफओएच होते हैं ना, उनकी एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड। एंट्री नंबर ए आंसर है। ओके की बात चले। उसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल प्रोडक्शन, एवरेज या एक्चुअल। जी ये सब फार्मूला है। फार्मूले के नीचे क्या लिखते होते हो? नॉर्मल, नॉर्मल एक्टिविटी लेवल, नॉर्मल प्रोडक्शन। वो फार्मूला नहीं लिखते अप्लाइड ओवरहेड का, हम अप्लाइड एफओएच का फार्मूला ऊपर लिखते हैं फिक्स्ड या बजटेड एफओएच डिवाइड बाय नॉर्मल एक्टिविटी लेवल। क्योंकि बात फार्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, प्राइम कॉस्ट प्लस ओपनिंग रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। नहीं, क्योंकि प्राइम कॉस्ट के बाद हम क्या ऐड करते हैं? जब हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है, उसके अंदर हम मजीद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी ऐड करते होते हैं। क्या ऐड करते हैं? मजीद मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी ऐड करते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस रॉ मटेरियल तो खत्म हो जाता होता है। ये है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। फैक्ट्री कॉस्ट से क्या मुराद है? जब हम प्राइम कॉस्ट में प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तो आपके पास एक आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, उसे फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। उसमें फिर हम प्लस करते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, माइनस करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आता है। तो जो प्राइम कॉस्ट प्लस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है ना, इसे हम कहते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। तो इसका सी आंसर बने। लो जी अगला सवाल आ गया, हल करने वाला सवाल। इसमें ये चीजें भी आ जाएंगी सारी। चलें, लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द सीक्वेंस लिमिटेड हु इज प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर। कहता है कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ये वाला कहां से आता है? कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। मैं लिख देता हूं ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। इसको हल किया तो ये जवाब आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या यूज्ड। डायरेक्ट लेबर ऐड हो जाएगी, इनडायरेक्ट लेबर वेजेस एंड इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी ऐड हो जाएगा। भला क्यों? क्योंकि यहां से हमारे पास आएगी प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड होता है। डेप्रिसिएशन 80%, तो इसका 80% ऐड कर देंगे, इसका 80% प्लस करेंगे, बाकी सेलिंग एक्सपेंस होगा। रेंट एंड यूटिलिटीज एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, और आपको पता है फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग में ऐड होते हैं, तो ये भी ऐड कर देंगे। रॉयल्टी पेड ये भी ऐड होगा। लो जी हमारा जवाब आ जाएगा, कर लो जरा, बाकी सारे प्लस हो गए, बस 24,000 का 80%, बाकी सारे ऐड करें, 24,000 का सिर्फ 80% ऐड होगा। तो बताएं जरा अमाउंट कितनी आ गई? 483500। 483500। क्लियर होगी बात? तो ये चीजें आपको ना थोड़े से अच्छी तरह से पता होनी चाहिए।
चैलेंज। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री टू एबनॉर्मल लॉस इन पीरियोडिक सिस्टम? पीरियोडिक सिस्टम में एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होती है? एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, एबनॉर्मल लॉस टू परचेजेस। 31, कामरान इज एन एंटीक डीलर, हिज इन्वेंट्री इंक्लूड्स अ क्लॉक व्हिच कॉस्ट रुपीज 158,000। कामरान एक्सपेक्टेड टू स्पेंड रुपीज 7,000 ऑन रिपेयरिंग द क्लॉक व्हिच विल मीन दैट ही विल बी एबल टू सेल 268,000। कॉस्ट एंड एनआरवी, कॉस्ट और एनआरवी, वो कहता है उसकी कॉस्ट है 158,000 और एनआरवी कितनी है 260,000 माइनस 7,000। एनआरवी ऐसे होता है ना कि वो कहता है उसके रिपेयर पे 7,000 लगेगा, फिर वो 260,000 की बिक जाएगी। तो एनआरवी कितनी आई 253,000। ओके, कहता है कि अगर आप उसको सेम इन्वेंट्री से रिप्लेस करोगे तो 255,000, ये तो नहीं लेते होते, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कभी भी नहीं लेते होते। ये जाकर आप आगे जाओगे ना, जब FR1 के अंदर NPO के अंदर, वो NPO के अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट एक सूरत में लेते होते हैं, लेकिन अभी नहीं। तो क्या करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी 58,000। लो जी, फिर भी आरएस का सवाल आ गया, ये आपको यहाँ से भी का। अच्छा, आपने ना आई कैप की किताब भी लाजमी कर लेनी है, उसमें कोई भी परेशानी हो, मेन टारगेट आई कैप की किताब है पेपर पास करने के लिए। आई कैप की जो थ्योरी है ना, और जो मैंने आपको टेस्ट बनाकर दिए हैं ना, वो बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं। उन टेस्टों को जो बंदा गौर से कर लेगा ना, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी उसको। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 32। A business is in the process of preparing bank reconciliation statement. The trial, the balance of cash book did not agree with the bank statement. The following information हमें मिल गई है। Balance as per cash book before comparing bank statement. तो ये आपको cash book का balance दिया हुआ है। Balance as per cash book का ये, ठीक है? तो यहाँ पर हम cash book बना लेते हैं। 11,000 डेबिट बैलेंस है और यहां पर हम बैंक स्टेटमेंट बना लेते हैं जी। कहता है आउटस्टैंडिंग चेक, आपको पता है आउटस्टैंडिंग चेक, ये तो आपको याद होने चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एनसी होते हैं, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट एनसी को कहते हैं 1200। फिर बैंक चार्जेस 50, बैंक इंटरेस्ट इनकम, ये इंटरेस्ट इनकम है, बैंक इंटरेस्ट इनकम, तो इनकम होगी तो हमारा पैसा बैंक में बढ़ जाएगा। कहते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट बताओ, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास इसको क्लोज करेंगे 11,100, यहां पर भी आएगा 11,100, ये आ जाएगा 11,050, इधर ये क्रेडिट साइड पर आएगा तो इधर ये डेबिट साइड पर आ जाएगा। और ये तो याद है ना तरीका, इसको क्लोज करो तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। करो जरा क्लोज, कितना आ गया, बारह हजार छह सौ। हाँ जी, जरा बैलेंस जी निकालें, यहां पर कितना आ रहा है, कितना बैलेंस आ रहा है, 11,400, 11,400। और आके साइड पर रहा है क्रेडिट साइड पर, ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है तो क्रेडिट ही होगा, क्लोजिंग होता तो अपोजिट बताते। लो जनाब, 11,400 क्रेडिट, 11,400
ओके होगी बात। आपने बस एक ही फॉर्मेट याद रखना है, उसके अंदर ही सारी चीजें। और आप ये देख लें, अगर ओवरऑल भी देखो तो डेबिट वाली चीजें डेबिट में प्लस हो रही हैं, क्रेडिट वाली चीजें क्रेडिट में जाकर प्लस होती हैं। चलो जी, तीसरे पे आ जाए, 33 पे, सॉरी। कहता है इफेक्ट ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक इन बोथ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट। सिंपल है, बैंक स्टेटमेंट में हमें पता है कि यह जाकर डेबिट होता है, तो ये इफेक्ट अगर सही करना है ना, कैश बुक में डेबिट कर दो या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर दो, बैंक स्टेटमेंट में डेबिट कर दो, या देखें नॉट प्रेजेंटेड चेक वो चेक होता है जो हम क्रेडिट कर चुके होते हैं लेकिन बैंक में अभी डेबिट नहीं किया होता। या तो बैंक में डेबिट कर दो या कैश बुक में रिवर्स कर दो। तो डेबिट साइड इन द कैश बुक, क्रेडिट साइड डेबिट साइड इन द बैंक स्टेटमेंट, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक को या तो बैंक बुक में रिवर्स कर दिया जाता है या बैंक स्टेटमेंट में लिख दिया जाता है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अक्सर स्टूडेंट इसमें भूल जाते हैं। 34 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज करेक्ट। कहता है ऑल इन्वेंट्री आइटम शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट। नहीं, सबको कॉस्ट पे थोड़ी लिखते हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी का कॉन्सेप्ट भी तो है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कहते हैं द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम विच हैड बीन हेल्ड फॉर लॉन्गेस्ट पीरियड इज एन एक्सेप्टेबल मेथड फॉर द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री वैल्यूएशन शुड एक्सक्लूड प्रॉफिट विच हैज नॉट येट बिन अर्नड। वो कहता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री को उसकी किस तरह कहते हैं, सपोज दैट आपने 500 की इन्वेंट्री सेल करनी है, इसमें 100 रुपए का प्रॉफिट है, कहता है वो माइनस कर दो तो बाकी आपके पास क्या बचेगा इन्वेंट्री की कॉस्ट। वो रिटेलर मेथड में नहीं होता कि इन्वेंट्री वैल्यू शुड बी एक्सक्लूडेड प्रॉफिट विच हैज बिन नॉट बिन अर्नड। कहते हैं इन्वेंट्री में से जो प्रॉफिट वो सेल वैल्यू पे नहीं लिखते बल्कि हमेशा कॉस्ट पे लिखते हैं। ये सी इसका सही ऑप्शन है। फिर ऑल इन्वेंट्री आइटम शुड बी वैल्यूड एट एंटीसिपेटेड सेलिंग प्राइस लेस एनी कॉस्ट विच विल बी इनकर्ड। नहीं, सेलिंग प्राइस पे तो लिखते ही नहीं होते, तो कहते हैं ये बेसिकली ये लोअर कॉस्ट एनआरवी की दूसरी तरह से अल्टरनेटिव अंग्रेजी लिखी हुई है। 35 पे आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर कौन सी चीज ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगी, परपेचुअल सिस्टम के अंदर। ये आपको पता है ना परपेचुअल सिस्टम के अंदर वाला क्या होता है, परपेचुअल सिस्टम के अंदर और हर चीज के अंदर इन्वेंट्री लिखते होते हैं, पता है ना। परपेचुअल सिस्टम के अंदर परचेज और परचेज रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, वो पीरियोडिक सिस्टम में होता है बस। ओके की बात। चलें जी, 36 व्हेन मार्केट प्राइसेस आर डिक्लाइन, जब मार्केट प्राइस डिक्लाइन हो रही है, विच मेथड गिव लेस प्रॉफिट, किस मेथड में कम प्रॉफिट आएगा। फाइफो में हमें पता है प्राइसेस कम हो तो क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है फाइफो के अंदर, और वेटेड एवरेज के अंदर ज्यादा हो जाता है। 37 विच एंट्री ऑफ स्टॉक गिवन इन द चैरिटी अंडर पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में अगर आपने चैरिटी दी है तो एंट्री पास हो जाएगी चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट। चैरिटी एक्सपेंस डेबिट परचेज क्रेडिट, उसके बाद ये तो एंट्री सर। ये 36 वाला दोबारा बताइएगा, 36। ओए काके, ये तो बहुत आसान है, प्राइसेस कम हो रही हैं, प्राइसेस कम हो तो फाइफो मेथड में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यही तो उसने पूछा कि किस मेथड में प्रॉफिट कम आएगा,
तो फाइफो मेथड पे प्रॉफिट कम हो जाता। और ये तो ये तीसरी दफा पेपर में भी आ चुका है। ठीक होगी बात, चल आगे चलें। नेक्स्ट, अच्छा अगर किसी को सवाल में इशू हो ना तो मैसेज ना मैं थोड़ी देर बाद पढ़ता होता हूँ, आप माइक ऑन करके पूछ लिया करें, ठीक है? कोई मसला ही नहीं है। किसी भी सवाल में कोई कंफ्यूजन हो ना तो वहां पर फौरन पूछ लिया करें सवाल। चैलेंज कि जिस सवाल में इशू आपको आया है, सपोज दैट मैंने जवाब कोई और लिखा है, आप उससे जवाब को नहीं मान रहे या आपका दिल एक्सेप्ट नहीं कर रहा जवाब को, तो वो लाजमी है कि वो आप फौरन माइक ऑन करें और डिस्कस करें, क्योंकि अब हमारे पास टाइम तो है नहीं कि मजीद रिवीजन का। चैलेंज 38 पे कहते हैं, आपने चैरिटी दिया है तो परपेचुअल सिस्टम में क्या एंट्री पास होगी? आपको पता है परपेचुअल सिस्टम में तो इन्वेंट्री की बात करते होते हैं, चैरिटी टू इन्वेंट्री, तो एंट्री पास हो जाएगी चैरिटी एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, चैरिटी एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। 39, बिलाल हैज स्टार्टेड अ ट्रेडिंग बिजनेस। बिलाल कौन सा बिजनेस शुरू कर रहा है? ट्रेडिंग। ही डील्स इन गुड्स वेयर प्राइसेस इज यूजुअली राइजिंग ओवर द टाइम। कहता है उसमें वो चीजों की कीमतें बढ़ती रहती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ फाइफो एंड एवरेज मेथड इन द केस। कहता है फाइफो विल रिजल्ट इन लोअर रिपोर्टेड प्रॉफिट। गलत, वो फाइफो में ज्यादा प्रॉफिट आएगा। भला क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं। फिर वेटेड एवरेज मेथड विल बी गिव मोर एक्यूरेट प्रॉफिट। एक्यूरेट की बात तो नहीं कह रहे लेकिन ज्यादा प्रॉफिट जरूर आएगा। फिर आगे वेटेड एवरेज मेथड विल बी लीड विल हायर कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। ये गलत है। क्लोजिंग स्टॉक फाइफो में ज्यादा आता होता है, फिर प्रॉफिट विल बी अनअफेक्टेड। ये भी गलत है। तो ये ठीक है कि वेटेड एवरेज जब प्राइसेस आपकी बढ़ रही हैं तो कहते हैं सिलेक्शन ऑफ फाइफो एंड वेटेड एवरेज इन दिस केस, तो वेटेड एवरेज मेथड विल बी गिवन मोर एक्यूरेट, तो नहीं ज्यादा प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट कह सकते हैं, मोर प्रॉफिट, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रही हैं तो मोर प्रॉफिट तो नहीं होता, सॉरी इसमें एक्यूरेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं क्योंकि वो एवरेज कर देता है, क्योंकि बाकी तो सवाल ही गलत तो है ना। तीसरी बीटा के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रही, बीटा के अलावा कोई ऑप्शन बन ही नहीं रही। भला क्यों? पहले लिखता है कि लोअर प्रॉफिट होगा, फाइफो में तो ज्यादा प्रॉफिट होता है, फिर वो कहता है सी में वेटेड एवरेज मेथड के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो हायर होती है। गलत, फाइफो की हायर होती है जब प्राइसेस बढ़ रही हो, और डेल्टा के अंदर कह रहा है कि प्रॉफिट अनअफेक्टेड होता है। प्रॉफिट अनअफेक्टेड कैसे होता है? जब मेथड चेंज होता है तो प्रॉफिट चेंज हो जाता है। तो इसका बीटा सही आंसर है। 40, इन डिक्रीजिंग प्राइस ट्रेंड, कहता है प्राइसेस कम हो रही है, इन्वेंट्री वैल्यू विल बी हायर, किस मेथड में ज्यादा इन्वेंट्री का आएगा? जब प्राइसेस कम होती हैं तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक कम आता है और वेटेड एवरेज में फिर ज्यादा आता है। 41, कहते हैं इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द करंट ईयर एंड एट द क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज अंडरस्टेटेड बाय 200। कहता है आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री 200,000 से कम लिख दी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दिस एज इट इफ इट रिमेन्स अनकरेक्टेड। कहता है इससे क्या हुआ होगा जब आपने 200,000 की इन्वेंट्री कम लिख दी, तो बताओ इससे क्या होगा? हमारे करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा ना, करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो गया होगा, एंड नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट ज्यादा हो गया होगा। उसकी वजह भला क्या होती है? आपने आज इस साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री कम लिख दी
और ये अगले साल की ओपनिंग इन्वेंट्री भी होती है। तो याद रखें, जो इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में आता है ना, वो हमेशा अगले साल ओपनिंग के अंदर रिवर्स हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है। अगर आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो उस इफेक्ट की वजह से अगले साल का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो दोनों साल का नेट प्रॉफिट अगर इफेक्ट ले तो जीरो भी हो जाता है, क्योंकि पिछले साल आपने कम लिख दिया, अगले साल ज्यादा लिख दिया। तो इसका जवाब देख लें, द करंट ईयर प्रॉफिट विल बी ओवरस्टेटेड। गलत, करंट ईयर का प्रॉफिट अंडर होगा वो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हुआ था, और अगले साल का ओवर होगा। फिर वो कहता था करंट ईयर प्रॉफिट विल बी अंडरस्टेटेड, नेक्स्ट ईयर विल बी ओवरस्टेटेड। ये जवाब ठीक है। जो लिखते हैं ना, नो इफेक्ट ऑन द नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट, दोनों सालों में होता है। क्लियर होगी बात? चलें, हाँ जी, अगले साल पे चलते हैं। 42 कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड जर्नल एंट्री इन द पीरियोडिक सिस्टम। कहता है पीरियोडिक सिस्टम की किसकी जर्नल एंट्री नहीं होती, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती, ये आपको पता है। पीरियोडिक सिस्टम में दो एंट्रीज नहीं होती, भला कौन सी? एक एनआरवी लॉस की एडजस्टमेंट की नहीं एंट्री होती, एनआरवी लॉस, और एक नॉर्मल लॉस, ये दो एंट्रीज नहीं होती। फोर्टी कहते हैं, कराची ट्रेडर्स परफॉर्म स्टॉक काउंट 10 जनवरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। लो जनाब, ये सवाल देख लीजिएगा। कहता है कि आपका ईयर एंड है 31 जनवरी, और कराची ने ये 31 2022 कर ले, 21 नहीं। कहता हुआ ये कि आप, नहीं, सॉरी, ये ठीक है, ये ठीक लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। यहां पर 2020 है। कहता है जो हमारा साल है ना, वो 31 दिसंबर 20 है। आपने क्या किया कि स्टॉक काउंट किया इस डेट को, 10 जनवरी को 2021 को, और उस दिन आपका स्टॉक आया 4,80,000 का। आप देखना चाहते हो कि स्टॉक 31 दिसंबर को कितने का होगा। यही बात है ना, 4,80,000 का स्टॉक आपका 10 जनवरी को आपने गिना, लेकिन आप चाहते हो कि आपका तो ईयर एंड दिसंबर था, तो 10 दिन बाद के स्टॉक को वापस करोगे। तो कैसे वापस करोगे? 10 दिनों की परचेज माइनस कर दो, और 10 दिनों की सेल की कॉस्ट लेकर ऐड कर दो। तो ऐसा ही होगा ना, इन 10 दिनों में जो सेल हुई है वो वापस हो जाएगी, और जो परचेज हुई है वो माइनस कर दो। तो कहते हैं 10 जनवरी तक आपने चीजें सेल की 81,000 की, 35% मार्कअप के ऊपर, और परचेज की 38,000। तो जरा देखिएगा, 4,80,000 में माइनस करो 38,000, और जो परचेज की है 10 दिनों में बाद माइनस कर दो, और जो सेल किया है वो प्लस कर दो। अब याद रखें, सेल अपनी सेल वैल्यू से स्टॉक में प्लस नहीं होगी, सेल अपनी सेल वैल्यू से प्लस नहीं होगी, बल्कि कॉस्ट से प्लस होगी। तो कॉस्ट निकाल लेते हैं, 81,000 सीपीएस बना लो ना इसका, 100 + 35 = 135। तो ये 81,000, 135,000 है, और आपको कॉस्ट चाहिए, तो बताओ कितना आएगा? 81,000 डिवाइड बाय 135 मल्टीप्लाई बाय 100, सर 60,000। 60,000। लो जनाब, ये आपका जो स्टॉक आएगा, ये आ जाएगा दिसंबर का, 10 दिन का आपने डाटा रिवर्स कर दिया, जो खरीद के ऐड किया था वो माइनस कर दिया, जो बेच के माइनस किया था वो ऐड कर दिया। कितना आंसर आ गया?
सर 502000। 502000, 480,000 माइनस 38 प्लस 60। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर जर्नल एंट्री, कहता है किसकी जर्नल एंट्री नहीं हो, ये तो रिपीटेड सवाल है नॉर्मल लॉस की। नेक्स्ट, अ कंपनी परचेज्ड एन इन्वेंटरी आइटम एट परचेज प्राइस 1800 एंड आल्सो इनकर्ड फ्रेट कॉस्ट 155। लो जनाब, 1800 का खरीदा, फ्रेट कॉस्ट 155। द आइटम विल बी सोल्ड एट मार्जिन 15% आफ्टर इनकरिंग फ्रेट आउट एंड पैकिंग कॉस्ट। कहता है उसको 15% प्रॉफिट पे बेचता है आफ्टर इनकरिंग फ्रेट आउट एंड पैकिंग कॉस्ट। एट विच वैल्यू द इन्वेंट्री आइटम शुड बी कैरीड एट। अब जरा देखिएगा, इसकी कॉस्ट तो आ गई 1955। एनआरवी इसकी फाइंड करते हैं। एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल वैल्यू माइनस पैकिंग कॉस्ट माइनस फ्रेट आउट, मतलब सेलिंग एक्सपेंस सारे माइनस करते हैं ना एनआरवी में, ये हमारे पास कॉस्ट है। तो इसके ऊपर सीपीएस अप्लाई करें पहले, तो 15% मार्जिन है। सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, मार्जिन आया तो सेल को 100 रुपए रखो, 1585 ऐसा ही होगा। तो आज ये 1995 कॉस्ट है, इसको 85 पे डिवाइड कर दो और सेल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आ गया। इसका आंसर बताइएगा सर। 2347 ये आ रहा है, 1955 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो सबका यही आ रहा है, चेक करके बताइएगा। नहीं सर, 2300 आ रहा है। 2300 आ रहा है सर। 23 आ रहा है सर। 2300 यस सर, 2300 आ रहा है। आप एनआरवी का फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, और इसमें सेलिंग एक्सपेंसेस दो है, हाँ जी जरा तो बताइएगा जरा एनआरवी कितनी आ रही है। 2300 माइनस 200 माइनस 150, ये कॉस्ट है 1955, एनआरवी है 1950, और हमने अपना स्टॉक लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी पे, तो आंसर हमारा आ गया 1950। आंसर हमारा क्या आएगा, 1950। क्लियर होगी बात। चलें, ये वही है कि जब भी आपने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखना हो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी लाजमी फाइंड किया करो, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ओके की बात, चैलेंज आगे चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर जर्नल एंट्री इन पीरियोडिक सिस्टम, ये सवाल तीसरी दफा आ गया, नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती। 47, इफ वी टेक गुड्स फॉर ऑन यूज्ड वी शुड, क्या एंट्री होती है, ड्राइंग्स टू परचेजेस। अगर पीरियोडिक सिस्टम हो तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, और अगर पीरियोडिक हो तो ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा अकाउंट है, कौन सा मेथड। 48. In order to find out the value of closing stock during the end of the financial year, we by stock taking, कहते हैं हम किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं,
हम किस तरह से क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब है एक्चुअल में जाकर स्टॉक काउंट करना, एक्चुअल में जाकर स्टॉक काउंट करना, और हमेशा स्टॉक टेकिंग ही होता है। वो कहता है डिडक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सेल या ओपनिंग स्टॉक, ये सही तरीका स्टॉक टेकिंग होता है। फिजिकल इन्वेंट्री को जाकर देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 49, वो कहता है विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ एन इन्वेंट्री आइटम। कहती कौन सी चीज इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ परचेज में ऐड होती है? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ऐड नहीं होता, फ्रेट इन ऐड होता है, क्योंकि ये कैरेज इन होता है, फ्रेट इन ये कैरेज इन होता है। रेंट ऑफ स्टोर नहीं ऐड होता और एडमिनिस्ट्रेशन सैलरी भी ऐड नहीं होती। 50, रॉ मटेरियल दैट आर रिमेनिंग एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड ट्रीटेड एज। कहता है जो रॉ मटेरियल आपका पड़ा होता है उसे क्या कहते हो? लायबिलिटी कहते हो, एक्सपेंस कहते हो, फिक्स्ड एसेट्स कहते हो, या करंट एसेट कहते हो? करंट एसेट इन्वेंट्री होता है ना हमारा, रॉ मटेरियल, और इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है। ओके की बात। 51, द गुड्स that have been sold to the customer are treated as in the financial statement. Inventory, expense, income, your debt. Expense, jo inventory sale ho jati hai, jo inventory sale ho jati hai, hum usko cost of sale mein likh dete hain. Sale to hamari income hoti hai, lekin jo inventory sale hoti hai uski cost ko hum cost of sale likhte hain. To cost of sale hamara expense hota hai. Kehta hai The inventory that have been sold to the customer, जो इन्वेंट्री सेल हो जाए हम उसको एक्सपेंस में लिख देते हैं और सेल को क्रेडिट कर देते हैं। 52, the goods that have not been sold to the customer, जो इन्वेंट्री सेल नहीं होती हम उसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री, जो इन्वेंट्री सेल हो जाती है हम उसको एक्सपेंस में लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से। जो इन्वेंट्री बच जाती है हम उसको करंट एसेट में लिख देते हैं इन्वेंट्री के नाम से। ऐसे ही है ना? चलो जी, फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया 53। रिपीटेड क्वेश्चन, बिलाल हैज स्टार्टेड ट्रेडिंग बिजनेस, ही डील्स इन गुड्स वेयर प्राइसेस आर यूजुअली राइजिंग over the time, which of the following regarded selection of FIFO ya weighted average method in this? ye wahi sawal hai abhi hum karke aaye jiska beta answer hai. 54, kya the waste statement is correct? retail method, in the retail industry of the measuring inventory of a large number of rapidly changing items with similar margin for which it is impracticable to use other costing method. बिल्कुल ठीक है, ये एज इट इज बुक की लाइन है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड इज नेसेसरी फॉर इन्वेंट्री व्हिच इज नॉट इंटरचेंजेबल गुड्स, ये बात भी ठीक है। आपको पता है ना स्पेसिफिक मेथड जो इस्तेमाल होता है वो किस मकसद के लिए होता है? जब गुड्स नॉट इंटरचेंजेबल हो या एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए नॉट इंटरचेंजेबल हो या गुड्स स्पेसिफिक, बोथ आर करेक्ट, पता है ना? जब हमने कॉस्टिंग मेथड पढ़ा था तो उसके अंदर ये लिखा था कि जो गुड्स नॉट इंटरचेंजेबल हूँ या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए हूँ तो उसके लिए स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल होता है, उसमें फाइफो या वेटेड एवरेज इस्तेमाल नहीं होता। ये दोनों ठीक है। विच टू ऑफ द फॉलोइंग हैविंग नो एंट्री इन द पीरियोडिक, एक नॉर्मल लॉस की कोई एंट्री नहीं होती पीरियोडिक सिस्टम में, दूसरी कौन सी एंट्री नहीं होती? कॉस्ट ऑफ सेल की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री की भी पीरियोडिक में होती है और अब नॉर्मल लॉस की भी एंट्री होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की ना एंट्री परपेचुअल में नहीं होती होती है।
जॉर्डेक में दोनों एंट्रीज होती है दोनों, तो कॉस्ट ऑफ सेल और नॉर्मल लॉस की एंट्री नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहते कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज डिटरमाइन एट लोअर ऑफ परचेज प्राइस एंड एनआरवी। गलत गलत है ये, परचेज प्राइस नहीं, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी होता है। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट इंक्लूड इनडायरेक्ट कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ जी, वो कहता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर इनडायरेक्ट कन्वर्जन कॉस्ट नहीं होती। गलत, होती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ऐड नहीं करते हम, वो इनडायरेक्ट ही तो होते हैं सारे, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बोथ आर नॉट करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट, ओके की बात चैलेंज। राइट डाउन द इन्वेंट्री टू एनआरवी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज, जब आप लोग एनआरवी को यानी वो अपने स्टॉक को एनआरवी पे लिखते हो, तो जितना एनआरवी लॉस होता है उसको आप एक्सपेंस में लिख देते हो। किस में लिख देते हो? एक्सपेंस में। अगर आप लोगों ने वो एक्सपेंस वाली बात सुनी हो कि जैसे ही इनकर्ड होते हैं उसी दिन हम एक्सपेंस में लिख देते हैं। कहते हैं डेफर्ड एक्सपेंसेस, गलत, डेफर्ड तो नहीं करते, डेफर्ड का मतलब है बाद में लिखते हैं। वो एक्सपेंस वाली यानी वो पेज के अंदर ये सवाल लिखा हुआ है आई कैप की किताब के अंदर कि इन्वेंट्री को कब एक्सपेंस लिखते हैं, जब सेल हो जाए, जब इन्वेंट्री को राइट डाउन करो एनआरवी पे उसी पीरियड में। कहते हैं एन एक्सपेंस इन द सब्सीक्वेंट पीरियड, गलत, एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच राइट डाउन अकर्ड, ये सही है। और कहते हैं करंट लायबिलिटी लिखते हैं, ये भी गलत है, लायबिलिटी तो ये होती नहीं। 58 कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज द इक्विटी, जो इक्विटी को डिक्रीज करते हैं, इक्विटी को डिक्रीज करने का मतलब प्रॉफिट कम होता है, राइट डाउन टू एनआरवी, परचेज लिफ्ट ट्रैक ऑन क्रेडिट, डेप्रिसिएशन बोरविंग लोन ऑन क्रेडिट। पहली बात, एनआरवी हमारा एक्सपेंस होता है और डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इससे आपकी इक्विटी कम हो जाती है। पहले कैसे, वो एक्सपेंस में लिखोगे प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम प्रॉफिट जाकर इक्विटी में ऐड करोगे तो इक्विटी भी ओवरऑल कम हो जाएगी। ट्रक खरीदने से तो एसेट बढ़ता है, ये तो इक्विटी को चेंज नहीं कर रहा, और लोन लेने से हमारी लायबिलिटी बढ़ती है। ओके की बात चैलेंज। नेक्स्ट 59, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कहते हैं इन केस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट परचेज प्राइस इज नॉट अफेक्टेड। कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट से क्या परचेज प्राइस अफेक्ट नहीं होती? अच्छा ये ना मेरा सेल फोन ऑफ होने लगा है, दो मिनट वेट कीजिएगा, मैं उसको चार्जिंग पे लगा लूँ कि कहीं ये वो नेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है, बस दो मिनट वेट कीजिएगा।
है।